This video is greatly inspired by Royal Sky's LLC videos. अगर आप Blender और Unity में interested हैं, then definitely pay a visit to his channel. अब वीरट के मॉडल्स ऑलरेडी रिग्ड होते हैं और एटलीस्ट आप इसे यूज कर सकते हैं. आई मीन एक खास एक नहीं है, पर कोई बात नहीं, बाद में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे. मैं इसको वापस लेता हूँ, हमें काफी कुछ करना पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम फैजान खान. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेकिंग एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, जहां पर मैं अपने एनिमेटिव बनाने और सीखने के प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, सॉर्ट ऑफ लाइक अ डायलॉग सीरीज. लास्ट एपिसोड में मैं वीरट के अंदर कैरेक्टर डिजाइन के बारे में बात की थी, और इस एपिसोड में ब्लेंडर के अंदर एक बेसिक रिक्वायरली यूजेबल कैसे बनाते हैं उस पर बात करूंगा. फिर अगर तो अपने एनिमेशन के लिए ऐसे यूज कर रहे हो तो भाई गुड लक, आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. तो पहले बात करते हैं कि वीरट की बेसिक रिग में क्या प्रॉब्लम है. वेल डोंट गेट मी रॉन्ग, एनी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छी है. बॉडी, हैंड्स, आईज, हेयर सब कुछ रिग्ड है, जो कि हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट बचा लेते हैं. वो स्टिल इसे एनिमेट करना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड है, जैसे सिर्फ कैरेक्टर को पॉज करने में काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ती है. तो स्टार्ट करने से पहले इतना जान लो कि आई क्यू और एफ के कंस्टेंट से क्या मुराद है. एफ के से मुराद आप सिर्फ एक मोड से उन सारी बोन्स को रोटेट कर सकते हैं जो उससे कनेक्टेड या पेरेंटेड है, और आई क्यू से मुराद आप सिर्फ एक मोड से कनेक्टेड सारी बोन्स को इकट्ठे कंट्रोल कर सकते हैं. इसका मोशन मोस्टली कर्व नहीं स्ट्रेट होता है. सो लेट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम उन सारी बोन्स को दूसरे लेयर में शिफ्ट करेंगे जो हम अभी यूज़ नहीं करने वाले, जैसे कि हेयर, चेस्ट, क्लॉथ्स वगैरह. इसके लिए पोजिशन में जाएं, उन सारी बोन्स को हाईलाइट करें, दूसरे लेयर में शिफ्ट करनी है, फिर एम प्रेस करें और दूसरे लेयर पर क्लिक कर दें. अब आगे कुछ भी करने से पहले एडिट मोड में जाकर शिफ्ट सेलेक्ट करके राइट साइड की सारी बोन्स को डिलीट कर दीजिए. इससे होगा ये कि हमें सिर्फ एक साइड पर काम करना पड़ेगा, बाद में उसको सिमिलर करके दूसरे साइड पर भी ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा. नाउ टाइम फॉर द स्टेप नंबर वन, एडिंग डबल जॉइंट्स. अब देखो सिंगल जॉइंट सिस्टम ठीक है, पर अगर आपको ज़्यादा बेहतर पैंट चाहिए तो आपको डबल जॉइंट सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा. इसके लिए एड मोड में जाएं, नंबर पैड 3 प्रेस करके साइड व्यू में आ जाएं, नाउ क्लिक ऑन द लेफ्ट नी एंड प्रेस ऑल्ट पी टू क्लियर इट्स पैरेंट. अब लेफ्ट नी के बोन्स को थोड़ा नीचे करें और लेफ्ट लेग के बोन्स को थोड़ा अपर करें, और दोनों को शिफ्ट सेलेक्ट करके एफ फॉर फिल प्रेस करें, और बस न्यू बोन का नेम नी डॉट एल करके इसको लेफ्ट नी का पैरेंट बना दीजिए. डॉट एल लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम इसके बाद में सिमिलराइज नहीं कर पाएंगे. अब आप इस एग्जैक्ट मेथड को हैंड्स पे साथ भी करेंगे. न्यू बोन का नेम एल्बो डॉट एल करें और इसका लेफ्ट एल्बो का पैरेंट बना दें. स्टेप नंबर 2, फुट आई के. ऑब्जेक्ट मोड में ई प्रेस करके एक बोन को नी से एक्सक्यूट करें और दूसरे बोन को फुट से. इन दोनों बोन को शिफ्ट सेलेक्ट करके इनके पैरेंट्स क्लियर कर दें. नी से एक्सक्यूट हुए बोन को वैक्स पर आगे ड्रैग करें. नाउ रीनेम बोथ ऑफ देम टू नी आई के डॉट एल एंड हील आई के डॉट एल एंड मेक श्योर दे अनचेक द डिफॉर्म. अब पोजीशन में आकर इन सेलेक्ट करें और बोन कंस्टेंट प्रॉपर्टीज में इनवर्स किनेमेटिक्स सेलेक्ट करें. टारगेट में आर्मेचर सेलेक्ट करें, बोन में हील आई के सेलेक्ट करें, पॉल टारगेट में आर्मेचर सेलेक्ट करें, बोन में नी आई के सेलेक्ट करें और चेन लिंक को 3 कर दीजिए. अब आपका फुट थोड़ी जीप पोजीशन में आ जाएगा. इसको ठीक करने के लिए आप पॉल एंगल में नेगेटिव 90 टाइप करेंगे. अगर आपका ये काम ना करें तो आप पॉजिटिव 90, 180 या नेगेटिव 90 यूज़ कर सकते हैं. अब एडिट मोड में आके एंगल सेलेक्ट करें और फिर शिफ्ट सेलेक्ट हील करें और इन दोनों को कंट्रोल पी की ऑफ साइड से पेरेंट कर दें. अभी फुट आके का एक और स्टेप बाकी है जो आपके फुट को लेग से डी अटैच होने से रोकेगा. इसको फिक्स करने के लिए पॉज मोड में एंगल सेलेक्ट करें और कॉपी लोकेशन को स्टैंड ऐड करें. अब टारगेट में आर्मेचर और बोन में नी सेलेक्ट करके हेड टेल को 1 कर दें. फुट आके इज डन. स्टेप नंबर 3, हैंड आई के. एडिट मोड में जाके एक बोन को एल्बो जॉइंट से शूट करें और दूसरे बोन को विड्थ से. दोनों को शिफ्ट सेलेक्ट करके आर्ट पी क्लियर पैंट कर दें. अब एल्बो से शूट हुई बोन को वाई एक्सिस पर ड्रैग करें और इन दोनों को रीनेम कर दें एल्बो आई के डॉट एल और हैंड आई के डॉट एल में. अपने पॉज मोड में 4M या फिर वीरट मॉडल में इसको लेफ्ट एल्बो का नाम दिया हुआ इसको सेलेक्ट करें. एड कंस्ट्रेंट के नीचे इनवर्स किनेमेटिक्स सेलेक्ट करें. टारगेट में आर्मेचर, बोन में हैंड आई के, पॉल टारगेट में आर्मेचर और बोन में एल्बो आई के डॉट एल सेलेक्ट करें. उसके बाद चेन लिंक में 3 सेलेक्ट करें और पॉल एंगल को 180 डिग्री कर दें. यह आपके लिए अगर काम ना करें तो आप 90, नेगेटिव 90 और नेगेटिव 180 यूज़ कर सकते हैं. अब फिर सेलेक्ट करें और कॉपी लोकेशन कंस्ट्रेंट ऐड करें. टारगेट टू आर्मेचर, बोन टू हैंड आई के. हैंड आई के इज डन. स्टेप नंबर 4, एडवांस हेड रिगिंग. इन एडिट मोड प्रेस 3 ऑन द नंबर पैड एंड सेलेक्ट टॉप ऑफ द हेड बोन. नाउ प्रेस आर एंड टाइप नेगेटिव 90. अब इस बोन को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करें और वाई एक्सिस पर फॉरवर्ड मिडिल माउस क्लिक से ड्रैग करें. नाउ रीनेम इट टू हेड टारगेट एंड क्लियर इट्स पैरेंट. अब पॉज मोड में हेड बोन को सेलेक्ट करें और बोन को स्टेट में ट्रैक 2 पर क्लिक करें. टारगेट में आर्मेचर, बोन में हेड टारगेट. उसके बाद ध्यान रखें कि टारगेट 0 सेलेक्टेड हो. अब आप अपने मॉडल के हेड को सिर्फ एक बोन से मूव और रोटेट कर सकते हैं. स्टैंड नंबर 5, एडवांस स्पाइन रिगिंग. एडिट मोड में जाके स्पाइन से ई प्रेस करके एक बोन शूट करें और इसके पैरेंट्स को क्लियर कर दें. सेट इट्स नेम टू कोर आई के और इसको चेस्ट बोन का पैरेंट बना दें. नाउ इन पॉज मोड सेलेक्ट स्पाइन और बोन को स्टेट में इनवर्स किनेमेटिक्स सेलेक्ट करें. टारगेट में आर्मेचर, बोन में कोर आई के और चेन लिंक में 1.
और चेस्ट को सिलेक्ट करें और बोन कंस्ट्रेंट में कॉपी रोटेशन ऐड करें। टारगेट में आर्मेचर, बोन में स्पाइन और हेड टेल में वन। अब आप लोअर अपर बॉडी को सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं और मोस्टली चेस्ट को सिर्फ एक बोन से कंट्रोल कर सकते हैं। और स्पाइन को कोर के साथ रोटेट करने के लिए हम ड्राइवर्स ऐड करेंगे। स्पाइन को सिलेक्ट करके बोन टैब में आके वायर रोटेशन पर राइट क्लिक करें और ऐड ड्राइवर पर क्लिक करें। एक्सप्रेशन में आर ओ टी डिवाइड बाई टू, वेरिएबल में आर ओ टी, ऑब्जेक्ट में आर्मेचर, बोन में कोर के, टाइप में जीरो रोटेशन, फाइनली मोटू कार्ट्रोनियन। अब अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करें और बस हो गया। वह आप जितना कोरिया को रोटेट करेंगे उसके नीचे वाली स्पाइन बोन उसी का हाफ रोटेट होगी, जैसे 20 का 10%, 100 का 50% वगैरह वगैरह। हाथों को जितना रिक करने के लिए फिंगर के पहले बोन को सिलेक्ट करें और बोन टैब में उसका नेम कॉपी कर लें। अब उसे नेक्स्ट वाले बोन को सिलेक्ट करें और बोन कंस्ट्रेंट में कॉपी रोटेशन ऐड करें। टारगेट आर्मेचर, बोन में जो नेम आपने अभी कॉपी किया है वो पेस्ट करें, या अगर आपको उसका नेम याद है तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि सिर्फ एक्स वाली रोटेशन चेक है, अगर आपका ये काम ना करे तो आप जेड रोटेशन भी चेक कर सकते हैं, ये आपके मॉडल की पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब स्पेस में दोनों में लोकल स्पेस से ऐड करें। अब इस बोन के नेम को कॉपी करें और नेक्स्ट बोन में कॉपी रोटेशन का सेट ऐड करें। इसके बाद फिर से वही सेटिंग्स रिपीट करें और बस बोन की जगह पर जो नेम आपने भी कॉपी किया वो पेस्ट करें। अब आप पूरी फिंगर को एक ही बोन से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ जस्ट रिपीट दिस प्रोसेस फॉर ऑल द अदर फिंगर्स। और थंब के मामले में यही कहूंगा कि आप सिर्फ लास्ट बोन में अप्लाई करें, क्योंकि थंब के मूवमेंट थोड़े अलग हैं। स्टैंड नंबर 7, शोल्डर एफ के बोन्स। नाउ इन एडिट मोड शोल्डर में से एक बोन को जेड एक्सिस पर शूट करें और उसको रीनेम करके एफ आई के शोल्डर रोटेल कर दें। अब हैंड आई के पर क्लिक करें, फिर शिफ्ट प्रेस करके शोल्डर एफ आई के पर, देन प्रेस कंट्रोल पी एंड कीप ऑफसेट। अब आप पूरे आर्म का सिर्फ एक ही बोन से कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस को लेग पर भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं करने वाला। स्टैंड नंबर 8, बेस बोन। अब आप एक न्यू बोन ऐड करोगे जिससे आप पूरे मॉडल को एक साथ कहीं मूव कर सकते हैं। यह करने के लिए एंड मोड में जाएं, शिफ्ट ऐसे एक न्यू बोन ऐड करें और इसको स्केल डाउन कर दें। नाउ मेक इट द पेरेंट ऑफ नी आई के, हील आई के, एल्बो आई के, हिप और हेड टारगेट। नाउ गो टू कोर आई के एंड ऐड कॉपी लोकेशन कंस्ट्रेंट। टारगेट में आर्मेचर, बोन में स्पाइन और हेड टेल में वन कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बॉडी मूव करने पर स्पाइन साथ मूव नहीं होगी। ना फाइनली लेफ्ट साइड के सारी बोन्स को एड बोन में सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके सिमोट्राइज कर दें और बस हो गया। अब आप अपने बोन्स के लिए कस्टम शेप्स बना सकते हैं और फिर इनको अप्लाई करने के लिए बोन्स मोड में जिस बोन की शेप को चेंज करना है वो सिलेक्ट करें, व्यू पर डिस्प्ले में जाएं और कस्टम बोन्स शेप में जो आप शेप चाहते हैं वो सिलेक्ट करें या फिर पिक करें। अगर आपकी कस्टम शेप बोन्स शो नहीं हो रही तो मेक श्योर इन आर्मेचर टैब अंडर व्यू पर डिस्प्ले शेप से चेक। ऐसे सारे बोन कस्टम शेप देने के बाद इनको डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। बोन का कलर चेंज करने के लिए आर्मेचर में बोन ग्रुप में न्यू ग्रुप क्रिएट कीजिए, कलर में जो कलर आप चाहते हैं वो सिलेक्ट करें और जिस बोन को जो कलर देना है वो असाइन करें। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लेफ्ट और राइट बोन को कलर चेंज रखें ताकि उनमें इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। अब देखो एरिक परफेक्ट नहीं है, ना ही ज़्यादा एडवांस है, पर फिर भी इट्स अ लॉट बेटर देन द डिफॉल्ट जिसने हमने स्टार्ट किया था। अगेन मैं बताना चाहूँगा कि मुझे एरिक के बारे में रॉयल्स का एलएलसी की वीडियो से पता चला था। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ब्लेंडर एंड यूनिटी देन एब्सोल्युटली पे अ विजिट टू हिज चैनल, ही गॉट अमेजिंग ट्यूटोरियल्स एंड मैंने शॉर्ट एंड फन वीडियोस। मैंने अपने रिगिंग के सीक्वेंस के हिसाब से इसकी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दे आर वेरी शॉर्ट एंड ये थोड़े ज़्यादा एडवांस भी हैं। नाउ आई नो कि मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो स्टोरी बोर्ड पर होगी और उसका प्रोसेस अभी बहुत लंबा पड़ा है, और मुझे लगा कि ये वीडियो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो ये उसी का फॉलोअप है। And for now, that's it. I will see you next time.